हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब लोग बच्चों। वेलकम टू द लर्न फॉरवर्ड। आज हम आपकी बुक, आपकी हिंदी बुक उजास हिंदी पाठमाला से कौन सा चैप्टर कराने जा रहे हैं? आज हम कराने जा रहे हैं चैप्टर 11, पाठ 11, जिसका शीर्षक है जादू की छड़ी। जी हाँ, जादू की छड़ी। गंदगी से बच्चों, कुछ आपको चीज पहले बताते हैं, चैप्टर से पहले गंदगी से भयानक बीमारियां आ जाती हैं। अतः हम सबको मिलजुल कर अपने गांव या बस्ती को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इन सब काम के लिए किसी परी के आने का इंतजार नहीं देखना चाहिए कि कोई जादू से आएगा और आपके घर को बिल्कुल साफ कर देगा, या आपकी कॉलोनी को साफ कर देगा, या आपके गांव को साफ कर देगा। जी नहीं, वो सब काम किसको करना है? हम ही सब लोगों को मिलकर ही करना है, तभी हम अपने आसपास की गंदगी या कुछ भी, हम कहीं कुछ भी ऐसा है तो हम उसको मिलजुल कर ही साफ कर सकते हैं। तो चलिए, हम आज का पाठ है जादू की छड़ी। माधोपुर गांव में जगह जगह कीचड़ और गंदगी थी। बच्चे खेलना चाहते थे पर कहाँ खेलते, कोई स्थान नहीं था। स्कूल जाने का रास्ता भी कीचड़ से भरा था। एक दिन बच्चे मैदान में इकट्ठे हुए। उन्होंने सोचा कि यदि वह गंदगी दूर हो जाए तो कितना अच्छा हो। मैं परी से कहूंगा कि रात में आकर जादू की छड़ी से हमारे गांव को साफ सुंदर बना दो, नीरज ने कहा। यह सुनकर सभी बच्चे हंस पड़े। सुनीता बोली, कहीं कहीं परी भी गांव की सफाई करती है, हमें ही कुछ करना चाहिए। सबने मिलकर काम करने की एक योजना बनाई, यानी कि प्लान किया। उन्होंने एक प्लानिंग करी, एक योजना बनाई। दूसरे दिन प्रातः बच्चों ने गांव की फेरी निकाली, मतलब कि सारे बच्चे एक साथ, जब पूरा का पूरा ग्रुप जाता है तो उन्होंने एक फेरी निकाली, उसे फेरी बोलते हैं। उनके हाथों में क्या था, तख्तियां थी और क्या था, कुदाले थी, जिससे आप मिट्टी खोदते हैं या जिसको साफ करते हैं, जिससे सफाई होती है उसको क्या बोलते हैं, कुदाले। कुदाले थी। उन्होंने नारे लगाए, हमारा गांव कैसा हो, साफ भी हो, सुंदर भी। ये देखो, छोटे छोटे बच्चों ने फेरी लगाई, उनके हाथ में तख्तियां थी और कुदाले थी, जिससे आप सफाई करते हैं। जैसे ना, जैसे बर्फ अगर इकट्ठी हो जाती है बाहर, जो यूरोपियंस कंट्री होते हैं तो उसी से ऐसे ऐसे करके बर्फ इकट्ठी सफाई करते हैं। ऐसे जो गंदगी होती है, कुछ भी होता है, घास होती है, कुछ भी होता है, तो उससे सफाई करते हैं, उसे बोलते हैं कुदाले। उन्होंने ऐसे करके नारा भी लगाया, हमारा गांव कैसा हो, साफ भी हो, सुंदर भी। सड़कें, गलियां और मकान, बाहर से भी अंदर भी। कितनी अच्छी अच्छी उन्होंने नारा लगाया। इसके बाद बच्चे स्कूल के रास्ते पर पहुंचे। उन्होंने फावड़ों से कीचड़ हटाना शुरू किया, छोटी छोटी कुदालों से नालियां बना ली। रुका हुआ पानी नाली में चला गया। तब तक गांव के बहुत से लोग आ गए। बच्चों का काम देखकर वे भी सफाई में लग गए। खेल के मैदान को भी साफ सुथरा कर दिया गया। गड्ढों में मिट्टी भरकर उन्हें भर दिया गया। ग्राम प्रधान जी ने कहा, बच्चों तुमने हमें रास्ता दिखाया है, हम सब मिलकर गांव को सुंदर बनाएंगे, पेड़ पौधे भी लगाएंगे, तुम सब आराम से अच्छी प्रकार जो है पढ़ना और खूब खेलना। तो जो काम बड़ों बड़े नहीं कर पाए वो किसने शुरू कर दिया, छोटे छोटे बच्चों ने। उन्होंने मिलकर फेरी लगाई, पहले योजना बनाई, फिर फेरी लगाई और तख्ती लेकर, और फिर उन्होंने सफाई शुरू कर दी, अपने गांव को साफ कर दिया। नाली में से रुका हुआ पानी भी निकाल दिया, गंदगी भी हटा गई। और उनको देख के जो गांव के बड़े बड़े लोग थे, ग्राम प्रधान जी, वो भी आ गए। उन्होंने कहा, अब हम भी तुम्हारे साथ करेंगे और सब मिलकर गाँव को साफ करेंगे। तो कितना अच्छा काम किया ना बच्चों ने, और कितना अच्छा पाठ था ये। तो चलिए, अब हम देखते हैं वर्ड मीनिंग। जादू, बिना किए सब कुछ हो जाना। योजना मतलब विचार, प्लानिंग। फेरी लगाना यानी कि गली कूचों में घूमना, और समतल मतलब बराबर, और कीचड़ गंदगी जो होती है। अब हमसे पूछा गया है, बच्चे दुखी क्यों थे? बच्चे क्यों दुखी थे? क्योंकि वो घर की जो गांव में गंदगी और कीचड़ फैला हुआ था, उससे बच्चे दुखी थे। उनको कोई खेलने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए बच्चे दुखी थे। बच्चों ने क्या योजना बनाई? बच्चों ने योजना बनाई कि हम सब लोग मिलकर सुबह जाएंगे और हम सब मिलकर अपने गांव की सफाई करेंगे। गांव को सुंदर कौन बनाएंगे?
गांव को सुंदर, बच्चे और जो गांव के प्रधान और गांव के लोग हैं वो सब गांव को सुंदर बनाएंगे। यदि आपके गांव या कॉलोनी में ऐसी परेशानी है तो आप क्या करोगे बच्चों, आप लोग क्या करोगे? आप लोग भी उस वहां पे अपनी कॉलोनी को या अपने गांव को साफ करेंगे, सब मिलकर साफ करेंगे, ठीक। और अब है नीचे गए उचित शब्दों में से शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। स्कूल जाने का रास्ता भी किससे भरा हुआ था? कीचड़ से। सबने मिलकर काम करने की एक क्या बनाई? योजना। इसके बाद कहाँ चला? इसके बाद जो था वो, इसके बाद बच्चे स्कूल के रास्ते पर पहुंचे। पहले तो उन्होंने अपना गांव साफ किया और उसके बाद बच्चे कहां पहुंचे? स्कूल के रास्ते पे। और रुका हुआ पानी नाली में, रुका हुआ पानी नाली में चला गया। खेल के मैदान को भी क्या कर दिया? खेल के मैदान को भी साफ सुथरा। खेल के मैदान को भी उन्होंने क्या कर दिया? साफ सुथरा। अब है हमारा किसने कहा? मैं परी से कहूंगा कि रात में आकर जादू की छड़ी से हमारे गांव को साफ कर दे, ये साफ और सुंदर कर दे। ये किसने कहा था? ये कहा था पाठ में नीरज ने। जी हाँ, ये नीरज ने कहा था। हमें भी कुछ करना चाहिए, ये किसने कहा था? हमें भी कुछ करना चाहिए, ये बच्चों ने कहा था। यानी कि ये बच्चों में से सुनीता ने कहा था। तुमने हमें रास्ता दिखाया, ये किसने कहा था? ये ग्राम प्रधान ने कहा था। ये ग्राम प्रधान ने बच्चों से बोला कि तुमने हमें रास्ता दिखाया है। और अब हम चलते हैं आगे, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। गांव में जगह जगह पर क्या था? कीचड़ और गंदगी, कूड़े कचरे के ढेर, बदबू से भरे छोटे छोटे गड्ढे या सड़ी गली चीजों के ढेर। गांव में जगह जगह कीचड़ और गंदगी थी। बच्चों ने किस समय गांव की फेरी निकाली? संध्या को, दोपहर को, प्रातः को या रात को? बच्चों ने फेरी निकाली थी प्रातः काल, सुबह सुबह। बच्चों ने छोटी छोटी कुदालों से क्या बनाया? क्यारी, नाली, सड़क या ये सब कुछ? बच्चों ने छोटी छोटी कुदालों से नाली बनाई थी तो पानी जो था वो फिर निकलना शुरू हो गया था। और अब हम चलते हैं निम्नलिखित वाक्यों से नाम वाले शब्द चुनिए। स्कूल जाने का रास्ता, ऐसे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। स्कूल जाने का रास्ता कीचड़ से भरा था, तो इसमें क्या है? स्कूल, संज्ञा जो है वो स्कूल है। रुका हुआ पानी नाली में चला गया, इसमें क्या है संज्ञा? नाली। हम सब मिलकर गांव को सुंदर बनाएंगे, तो इसमें संज्ञा क्या हो गई? गांव। और पेड़ पौधे भी लगाएंगे, संज्ञा क्या हो गई? पेड़ पौधे। पाठ में ई तथा ऊ वाले शब्द जो शब्द आए हैं उन्हें लिखे, यानी कि बड़ी ई कीचड़, तो उसमें जो ई वाले शब्द हैं वो है, एक शब्द था यहाँ पे गंदगी, एक ई वाला शब्द ये था। और कौन सा था? और था परी। और कौन सा शब्द था? और था छड़ी, छड़ी। और कौन सा शब्द था? और था एक शब्द था बड़ी ई वाला, नाली। इसके अलावा कोई और शब्द होगा तो वो भी आप ढूंढकर इसमें लिखेंगे। और अब है ऊ की मात्रा वाले, यानी कि बड़े ऊ की मात्रा वाले, जैसे जा स्कूल, स्कूल के बाद एक शब्द आया था जादू और एक शब्द आया था खूब, और बाकी के शब्द जो है बच्चों वो आप
अपने पाठ में से ढूंढेंगे और ढूंढ ढूंढ कर इसमें लिखेंगे बड़े ऊ का और ई के शब्द। ठीक, अब है पढ़िए समझिए और लिखिए। जैसे परी का हो गया परियां, और दूसरा हम कर सकते हैं छड़ी का, हम कर सकते हैं छड़ियां, उसमें भी मैंने चंद्र बिंदु लगा दिया है। तख्ती का क्या हो जाएगा, तख्तियां, अब इसमें तख्तियां में क्या हो जाएगा, यहां पे चंद्र बिंदु। कली का क्या हो जाएगा, कलियां, कलियां के टाइम में जब लिखूंगी तो मैं इधर छोटी ई की मात्रा मैंने लगाई है, यहाँ पे बड़ी ई की थी, यहाँ पे आ जाएगी छोटी की। नाली में भी नालियां, नालियां में भी क्या हो जाएगा, छोटी ई की मात्रा। गली, गली में ला में बड़ी की मात्रा है, लेकिन जब हम लिखेंगे गलियां तो हम गलियों में भी छोटी ई की मात्रा कर देंगे। तो इस तरह हमने जो था इनको, शब्दों को जो था, छड़ी का छड़ियां कर दिया, तख्ती का तख्तियां कर दिया, कली का कलियां, नाली का नालियां और गली का गलियां। तो बच्चों आप भी इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आपकी कॉलोनी या आपके गांव में कुछ इस टाइप से गंदगी होती है तो आप सब बच्चे भी मिलकर योजना बनाएंगे और अपने घर को, अपने गांव को, अपने कॉलोनी को इस तरह से साफ रखेंगे। और उसके बाद जब वो साफ हो जाएगा तो वहां पे पेड़ पौधे लगाएंगे और वातावरण बहुत ही शुद्ध हो जाएगा। तो इसके साथ हमारा जो है आज का वो वाला पाठ, जादू की छड़ी, समाप्त होता है। और एक बहुत अच्छी कविता, और इस कविता का शीर्षक है सफलता की राह। तो बच्चों मेहनत किस प्रकार, इसमें जो हमें बताया गया है, मेहनत किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को सुखद बनाती है, मतलब बहुत ही सुख वाला बनाती है, बहुत ही जिसमें आपको सुकून मिलता है, आपको खुशी होती है, इस बात को बया और चींटी का उदाहरण देकर भली प्रकार से समझाया गया। बया बच्चों, बया एक चिड़िया होती है, एक बर्ड होती है, और बया का देखो ये घोंसला होता है, ऐसे लटका हुआ घोंसला होता है, और बड़ी मेहनत से तिनका 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 करके ये घोंसला बनाती है। तो हमारी जो कविता है वो यही वाली है, जो करते हैं मेहनत भाई, जो करते हैं मेहनत भाई, उन्हीं की किस्मत है खुल पाई, बिना मेहनत के तो किसी ने सफलता की है राह ना पाई। उस नन्ही सी बया को देखो, बना रही जो घर है अपना, बिना मेहनत के तो भाई अपना घर होता एक सपना। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक तो आपका अपना घर भी नहीं हो पाता, और आप फिर सपने की तरह हो जाता है कि अरे मेरा घर होता, क्योंकि आप मेहनत तो करेंगे नहीं। तो जब आप मेहनत करके बनाएंगे तो आपका घर भी एक अपना घर हो जाएगा, जैसे बया मेहनत करती है। अब चींटी, तुम नन्ही चींटी से सीखो। चींटी कितनी छोटी होती है, इतनी सी होती है बिल्कुल, पर कितनी मेहनत करती है, जरा जरा सा छोटे छोटे से कण ले लेकर इकट्ठी करती रहती है और अपने घर के, अपने बिल के अंदर रखती है। तुम नन्ही चींटी से सीखो, जो मेहनत से कभी ना हारती, अपने से 10 गुने बोझ को मुख थामे दीवार लांगती। आपने देखा ना, चलती चली जाती है दीवार पे, चलती चली जाती है, और इतना सा उसके अंदर एक छोटा सा आटे का या किसी चीज का कण होता है, अपने घर के लिए, अपने खाने के लिए रखती है। आलस की चादर को फेंको, आलस की चादर यानी कि अपने को आलसी मत बनाओ, आलस की चादर को फेंको, जीवन का बस यही धर्म है, मेहनत करो रुको कभी ना, जीवन का बस यही कर्म है। यानी कि आप मेहनत करते चले जाइए, कभी मत रुकिए, तो आपको हमेशा आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, अवश्य मिलेगी। तो बच्चों इस कविता से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और इसके साथ हमारा ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है, यही खत्म होता है। हैप्पी लर्निंग, और बहुत जल्दी आपके पास फिर से आते हैं।